हिंदी में दो हिंदी में। हाय मैं हूँ रोशनी और बनी मैं हूँ। ये फेस्टिवल ऐसे होते रहने चाहिए और मैंने बहुत से फिल्म फेस्टिवल जाके मिल के आया देख के आया, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ सोशल कॉज के ऊपर प्लेटफॉर्म है, तो ये चीज़ एक समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि ऐसा होना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, सिर्फ बॉम्बे तक रह नहीं जाना चाहिए। तो विक्रांत जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये और सब जगह ऐसे प्रोग्राम किए जाए। जवाब यही जैसा आपने कहा, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा छोटा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं होता, अवार्ड फंक्शन होता है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इनको फिल्म अच्छी लगी और इन्होंने हमारी फिल्म को अप्रिशिएट किया और उसके लिए थैंक यू। मेरे हिसाब से तो हज़ारों फिल्मों को सिलेक्ट होना चाहिए था पर वो नहीं हो पाई, क्योंकि सब ने ही बहुत अच्छे कॉस्ट पे फिल्म बनाई है, पर अब जिनको नहीं मिला उनको भी ये कहूँगी कि प्लीज़ बनाते रहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते रहिए और फिल्में बनाते रहिए, लोगों को दिखाइए, चाहे 10 लोग देखें 1000 लोग देखें, पर एक फिल्म बहुत चीज़ें बदल सकती है। उन्होंने 2 दिन पहले सिर्फ मुझे फ़ोन किया कि आपकी पिक्चर सिलेक्ट हुई है, तो जब तक रोशनी नहीं आ रही थी तो मैंने भी हाँ नहीं कहा था, फिर उनकी मम्मी के पीछे लग के मैंने पूछा, तो उन्होंने जब हाँ कहा तो मैंने इनको कहा कि हाँ जी हम जरूर आएंगे। ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इनका पहला साल है, हम दोनों मित्र यहाँ पर आएँ, हमारे और भी बहुत से मित्र आएँ, हमको यहाँ मान मिला, सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो विक्रांत मोरे साहब है उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है एक अलग किस्म के सिनेमा को, और उनकी फिल्म उन्होंने बनाई है मोंटू की पलटन, मैं उसका हिस्सा भी, उस फिल्म को अब तक 16 अवार्ड मिल चुके हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जा रही है, और मेरी शुभकामनाएं वंस अगेन, और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब फिल्म मोंटू की पलटन अवश्य देखें। अमित जी जी मिले यहाँ पर और साथ में हम दोनों को इस फेस्टिवल ने सम्मानित किया, तो ऑल द बेस्ट टू भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑल द बेस्ट टू विक्रांत मोरे साहब, ऑल द बेस्ट टू कल्याण जी। थैंक यू। भाई पंकज जी और मैं इसी के लिए शायद सम्मानित किया कि हमने 25 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को दिए हैं, और हम मैं हमारे साथ उषा ताई भी हैं, मुश्ताक खान साहब भी हैं, और ये जाहिर है कि भाई अपार्ट फ्रॉम गुड कंटेंट सिनेमा, वो कलाकारों के योगदान को, उनके जितने वर्ष उन्होंने बिताए इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री को दिए हैं, उसका भी उन्होंने आदर किया है, उसको रिकग्नाइज किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विक्रांत मोरे जी ने जो ये भारत फिल्म फेस्टिवल आज किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेते हैं, सिर्फ विक्रांत जी को नहीं करना चाहिए, सभी को करना चाहिए जो कर सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल भारत फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने किया है। मेरा नाम इम्तियाज़ खान है और मेरा न्यूज़पेपर है पुणे टाइम्स के न्यूज़पेपर है, मैं उसका चीफ एडिटर हूँ, और मैं बॉलीवुड के जो सब जो इस ऐसे जो पिक्चर जो बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, ऐसे जो पिक्चर बनाते हैं, उसको मैं कवर करता हूँ, कवर करके उसको मतलब प्लेस करता हूँ अपने पेपर के माध्यम से। इसके लिए मुझे आज भारत इंटरनेशनल जो फेस्टिवल हुआ 2019 उसमें बुलाकर मुझे सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम राकेश रौनक सिंह है, त्रिलोका मीडिया नेटवर्क करके हमारी पीआर एजेंसी जो है, जो 3 साल से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे फिल्मों को सपोर्ट कर रही है जो ज्वलंत मुद्दे पे है, जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, ऐसे फिल्मों को निरंतर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो अवार्ड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हमें मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ इसके ऑर्गेनाइज़र का, विक्रांत मोरे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और जिन्होंने हमें इस अवार्ड से नवाजा, और मैं यहाँ पे आकर के काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और इस अवार्ड के बाद मैं हमारी इस पहल को देखते हुए मैं भी उन फिल्मों को और अभी बढ़ चढ़ के मैं सपोर्ट करूँगा जो भारत के किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पे है, और मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आने वाला ये फिल्म फेस्टिवल विश्व पटल पर अपना कीर्तिमान स्थापित करे। भारत फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये
जो पहल है, ये पहल अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, जो कि देखिए हम एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, और इस समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए हमें उन सामाजिक मुद्दों पर भी फिल्मों को बनाना चाहिए। सिर्फ नाचना गाना, अब वो समय बदला, अब वो दौर बदला, अब वो फिल्मों की कहीं कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ नाच और डांस का ही फिल्म चले। सामाजिक मुद्दों को, समाज के बदलाव के लिए सामाजिक मुद्दों पर फिल्म का बनना बहुत ही जरूरी है, और इस पहल का मैं बहुत बहुत इस पहल को शुरू करने के लिए विक्रांत मौर्य जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये पहल उनके विश्व पटल पर अपना एक नाम स्थापित करे इसकी मैं कामना करता हूँ। सर प्रोड्यूसर, आम्ही एक मराठी फिल्म बनवली रोपटा, एक समाज माध्यमावर फिल्म आहे, बालविवाह, बालमजुरी आणि शिक्षण हा विषय घेऊन आम्ही हाताळले, तर इथे भारत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये आम्हाला सन्मान करण्यासाठी बोलवलं आहे, आणि आमचा सन्मान इथे केला गेला। भारत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जे चालू केलेलं आहे ते फक्त हे छान चालू केलं, म्हणजे ज्या लोकांना मीडियामध्ये हे प्लॅटफॉर्म मिळत नाही आहे त्या फिल्मसाठी हे प्लॅटफॉर्म खूपच छान। आणि ते समाज माध्यमावर जे फिल्म बनवतात, समाजामध्ये कोणत्या प्रथा आहेत काय त्याच्याबद्दल जे फिल्म बनवतात, त्यांच्यासाठी हा भारत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल खूपच उत्कृष्ट आहे आणि चांगला आहे, आणि माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे त्यांना। इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ज्यांनी बनवलं, विक्रम सरांना माझ्या आमच्या रोपट्याच्या पूर्ण टीमकडनं खूप खूप शुभेच्छा, आणि त्यांच्या वाटचाल अशीच चांगल्या पद्धतीने होत राहू दे। भारत इंटरनॅशनल फेस्टिवल एक बहुत अच्छा प्लॅटफॉर्म आहे जिसमे यंग फिल्म मेकर्स को अपॉर्च्युनिटी मिळती आहे अपने टॅलेंट शोकेस करणे की, अँड इट्स व्हेरी नाईस ऑफ देम टू ऑनर पीपल। आय नो कल्याणजी सिन्स व्हेरी लाँग, और अच्छी बात आहे की उसने फ्रॉम बिंग दॅट किड दॅट ही वॉज टू बिकमिंग द कोरिओग्राफर, ही हॅज ग्रोन टू बिकम हू ही इज टुडे। वी गॉट एन अवॉर्ड टुडे फॉर आर फिल्म सारे सपने अपने हैं। आई थिंक वेदांत माय हीरो विल टॉक मोर अबाउट द फिल्म प्लीज। The film was, I think, it's made around a very interesting idea, and acting ka to amma just like woke me up and she was like, ha chalo acting karte hain. Kai film mein nominated hai, isme se kuch chand film mein jo hai nominated hui hai, aapka kaisa reaction hai aapke film par? Actually hum log already world wide travel kar chuke hain, ये फिल्म 110 फेस्टिवल्स के ऊपर मैं ट्रैवल कर चुकी है और 68 अवार्ड्स के ऊपर जीत चुकी है। 5 मिनट्स 21 सेकंड की फिल्म है, लेकिन इसकी जो थॉट है वो यूनिवर्सल है कि हर आदमी को अगर अपनी सोच से आगे निकलकर अगले वाले की हेल्प करे तो कैसे दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। ये फिल्म उस थॉट पर बेस्ड है, और एक छोटा सा लड़का है जो चाय की टपरी में काम करता है, लेबरर है, और उसको 500 रुपये मिलते हैं, तो 500 के उसके कई ख्वाब हैं कि वो क्या चाहता है, वो 500 में वो क्या क्या नहीं कर सकता है। फिर आखिर में वो उन ख्वाबों को देखने के बाद वो उस पैसे को एक और बच्चे को खाना खिलाने के लिए जब यूज़ करता है तो सारे सपने उसके हैं, और उस सपनों में भी जी के उन्हें हकीकत में बदल लेता है, और दूसरे को हेल्प करते समय जरा सी भी नहीं झिझकता। अगर हम उसके तरफ थोड़ा सा भी बन जाए तो वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। विक्रांत मौर्य इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, आई एम मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, बट इट्स वेरी नाइस दैट ही इज़ ब्रॉट अ फेस्टिवल लाइक भारत इंटरनेशनल फेस्टिवल, एंड जैसे उसने कहा था कल्याण जी ने उसको एक प्रोड्यूसर बनने की अपॉर्चुनिटी दी, और वहाँ से लेकर आज एक फिल्म फेस्टिवल बनाने की काबिलियत रखना बहुत मुश्किल बात है। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड बेस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप ही डज मेनी मेनी मोर सच फेस्टिवल्स एंड मेनी मोर सच फिल्म्स। एक सोच से लाइफ शुरू होती है और इसकी सोच बहुत जगह पहुँचेगी। प्लेटफॉर्म लाइक दिस, अभी मोस्ट फेस्टिवल्स जिसमें भी गए हमको जाने नहीं मिला, थैंकफुली वी केम हियर एंड गॉट टू कम अप ऑन स्टेज एंड मीट एवरीबॉडी एल्स हु इज आल्सो अ सिमिलर फिल्म मेकर एंड अ सिमिलर एक्टर। आई एम ग्लैड टू बी हियर। मैं
मिस्टर मोरे को बधाई देना चाहता हूँ, एक अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल इश्यूज पे फिल्म को प्रमोट करते हैं अपने जरिए अपनी कैपेसिटी से, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब तो ज़माना डिजिटल का हो गया है, तो फिल्में बहुत बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म बन रही है, मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्म भी मैं काम किया है अभी रिसेंटली टू प्रमोट देम, पहली बार वेब सीरीज भी किया आउट ऑफ लव, करता जाता हूँ। लेकिन इस समय मार्केट बहुत बड़ा है, जिसको अकल आ जाएगी वो अपने आप इसको रिलीज करेगा, नहीं जब तक अकल आती तब तक मोरे हैं, ऐसी चीज़ों को सामने ले आएंगे जो आना चाहिए पब्लिक है। और जो सीनियर स्टार हैं जो 25-26 साल इंडस्ट्री को दे चुके हैं उनको भी अवार्ड से नवाज रहे हैं, अच्छी बात है, अवार्ड दे उनको, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग फिल्म बनाते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए कि आदमी हिम्मत करके फिल्म बना सके। क्योंकि फिल्म बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, पैसे नहीं रहते, बनाने में भी बन जाती है, उसके बाद का जो है कवरेज जो है ये कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, तो आज नहीं है ऐसी फिल्मों के फार्मूला, फिल्म नहीं है, सोशल इशू पर फिल्म है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने आज 30 साल से भी ज़्यादा वक्त इंडियन सिनेमा को दिया, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए अपना कीमती वक्त इतने बिजी शेड्यूल में से वहाँ यहाँ पे आया है, जो अंजन जी जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, उन लिस्ट में से एक नाम वो भी है, तो सबसे पहले इनको मैं थैंकफुल करना चाहूँगा। क्योंकि सोशल इशू की जो फिल्में बनती है उनको क्या कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और ख़ास करके हमारे इंडियन सिनेमा की प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं जो मेकर्स को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते हैं। इससे मैंने एक चैनल डेवलप किया है कि 200 से भी ज़्यादा NGOs को एक साथ किया है और एक 10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि फिल्म मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों डायरेक्टली हो जाए, और उस सोशल इशू को फिल्मों को जो फंडिंग होगी रिलीज करने के लिए वो NGO के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूटर तक और फिल्म मेकर तक पहुँचाए, और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगी, ये निस्वार्थ रूप से एक अभियान की शुरुआत की है, और शुरुआत में आज अंजन श्रीवास्तव जी जैसे एक्टर जैसे मुश्ताक जी आए, आज इशरत अली सर आए, काफ़ी पंकज बेरी सर आए, काफ़ी एक्टर लोग आए मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसे सुनील पाल सर जी। नहीं ठीक है, मनोबल बढ़ाने का मेन काम ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर तभी होता है जब कोई शॉर्ट फिल्म और आउटडेट ऑफ द फिट फिल्म जो होती है उसको ऑस्कर या कोई बड़ा नेशनल अवार्ड मिल जाता है, तो उसको रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जिनका कोई नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, रिलीज़ हुई है तो पब्लिक के सामने जाने के लिए ये सबसे बड़ा जरिया, इससे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ बिकल मोरे साहब को, जिन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 बहुत अच्छा सक्सेस हुआ, बहुत सारे मान्यवर बहुत सारे गेस्ट आए हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ तमाम मीडिया को, जो मीडिया यहाँ पर आए हैं अपने कीमती वक्त देके, और सबसे बड़ी बात है मीडिया के हमारे महारथी अभी खड़े हैं हैदर साहब, और हमारे साथ में DCB साहब हैं जिनकी 73 एज में आज यहाँ पर हैं, और हमें तो बहुत गर्व हो रहा है जो हमारे मेरे बाजू में वो बैठे हैं। मैं पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अगर वो पुलिस या आर्मी उसको देखता है तो उसको सबसे पहला उसको सैल्यूट करे, क्योंकि जो पुलिस करता है जो आर्मी करता है वो हम कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, उनकी वजह से हम सही सलामत हैं। इसलिए मैं सबसे पहले DCB साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। विजय साहब, एक विजय है विजय दीनानाथ चौहान, और एक विजय हमारे DCB साहब हैं। थैंक यू सो मच, मुझे भी यहाँ पर अवार्ड मिला है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार उनके बीच में मुझे अवार्ड मिला है। तमाम मेरे गुरुजी सुनील पाल साहब, पंकज बेरी, अमित बैल, उसके बाद उषा ताई मैडम जो मुझे जिसको मैं मम्मी कहता हूँ, मुश्ताक खान, तमाम जितने भी यहाँ पर इशरत अली, इतने बड़े बड़े कलाकार के बीच में अगर मुझे सम्मान मिला है, इस सम्मान को मैं बहुत दिल से मैं इसको आभार व्यक्त करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई जिसका नाम है विकल मोरे, जिन्होंने इतनी खूबसूरत फेस्टिवल का आयोजन किया है, फिल्म फेस्टिवल, ये जितने भी कलाकार हैं इनको जो दिया गया है, जिन्होंने 30 से 35 साल इंडस्ट्री को दिया है, उन सभी को ये सम्मान दिया है, और जो बहुत सारे फिल्म जिन्होंने ऑलरेडी 11 से 12 उन लोग अवार्ड ले चुका है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। एंड थैंक यू सो
सो मच। यहाँ पर जितनी भी फिल्म आए हैं और सभी फिल्म को जो अवार्ड मिला है, इन सभी फिल्म मेकर को, प्रोड्यूसर को, इन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छा अच्छा फिल्म बनाए और मुझे भी आप लोग उस फिल्म के अंदर एक भाग बनाए, काम करने के लिए मौका दें। मैं जितनी भी यहाँ पर फिल्म मेकर, फिल्म एक्टर और जितनी भी यहाँ पर प्रोड्यूसर फिल्म लेके आए, ये सोशल मुद्दे पर फिल्म है। ऐसी फिल्म आपको देखने कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मिलता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो तमाम जितने भी मेकर हैं, इन सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। जो आज जो गंदगी फैला हुआ है, आज जो गंदगी फैला हुआ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, आज जो सोशल, आज यूट्यूब पर जो गंदगी फैला हुआ है, जितनी भी वेब सीरीज ये बन रहा है, उन सभी को ऐसे मेकर के पास सीखना चाहिए। आज इंडस्ट्री को बर्बाद करके रखा है, यस। ऐसे जितनी भी आज वो यूट्यूब पर जो आज फिल्म बनाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो इन सभी मेकर को सीखना चाहिए जो आज जितनी भी फिल्म बनाया है, आज दिखाया। ये तमाम जो मेकर हैं, तमाम जो ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने इतने अच्छा इशू लेकर इन्होंने फिल्म बनाया है समाज के लिए, देश के लिए। मैं इन सभी को दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम है गरीबों का एक्टर कल्याण जियाना। मेरी आने वाली फिल्म है जिसका नाम है ड्रीम सिटी मुंबई। आप लोग देखें, मुझे प्यार दें और कुछ नहीं, आई लव यू मीडिया एंड आई लव यू मेरे प्यारे मेरे जनता, और थैंक यू सो मच डीसी साहब। मैं विक्रांत मोरे जी के साथ का देहलत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इस फेस्टिवल में, और इन्होंने एक नींव डाली है भारत जो इंटरनेशनल में है, जो सोशल मीडिया में जो बातें होती है वो हाईलाइट करने की उन्होंने अपनी ठान ली है। वो जो उन्होंने अपने जो पूरी ताकत लगाकर और किसी का सपोर्ट नहीं होते हुए भी इस तरह तक यहाँ पहुँचे हैं, तो उनका तो हमें बहुत तरह से शुक्रगुजार करना चाहिए। और उनके लिए मैं दुआ करूँगा कि वो इस बीज को वटवृक्ष का बड़ा पेड़ बना दे, जिसमें हर इशू जो है इंसानी के नाम पर जो इशू होते हैं, जो इशू करना चाहिए वो हाईलाइट करे और सबको शिक्षा दे कि भाई इस तरह से होना चाहिए, ये करना चाहिए। हम फिर से उनका मैं ये दिलाना आभार मानता हूँ, धन्यवाद। वो हमारे एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक वीडियो एल्बम आपके मार्केट में, मतलब यूट्यूब पे आपको देखने मिलेगा, बेकर और माही। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा रोमांटिक एक म्यूजिक वीडियो एल्बम है। आप लोग प्लीज़ उसको देखें। टिप्स म्यूजिक कंपनी ने उसको रिलीज़ किया है, बेकर और माही। मेरा भाई उसमें काम किया है, वो प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, हैदर कासिफ साहब। मैं थैंक यू सो मच, आपका ये जो एल्बम है सक्सेस हो और आपको और भी आपकी दुआ मिले। मेरे सामने है मेरे सेंसर, फिल्म को सेंसर करते हैं मेरे भाई, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्लीज़ आप आइए। ये मेरा भाई है जो प्लीज जो जितनी फिल्म बनते हैं फिल्म को सेंसर करते हैं, और ये जितनी भी फिल्म आप लोग देख रहे हैं सभी को सेंसर करने वाले मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अपने साथ दिया है ये शो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड थैंक यू सो मच सर। इसमें भी मेरा नाम हर्षा मेहता है एंड मैं ममता भानुशाली हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, जो विक्रांत सर ने छोटे छोटे बच्चों लोग को जो किया है मोटिवेट कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सो आई मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है विक्रांत सर को कि इस तरह के अवार्ड करते हैं। हाँ, चिंटू की पलटन जो उन्होंने मूवी बनाई है उनको 16 अवार्ड।